अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आगही LMS यूज़र नेम एंड पासवर्ड से रिलेटेड है। अक्सर लोगों को पासवर्ड रिसीव हो चुके हैं और काफ़ी लोगों को रिसीव हो रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है? सेकंड जो है वो आप लोगों को लास्ट टाइम भी एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला था तो क्या सेम पासवर्ड और आईडी हो गई? अगर लॉगिन में इशू आ रहा है तो क्या करना होगा? ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करने लगा हूँ। अगर आप मेरे चैनल AIOU इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन बना होगा उसको प्रेस करना नहीं भूलोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की वर्कशॉप शेड्यूल कर दी गई है। वर्कशॉप चेक करने का तरीकाकार सिंपल है कि आपने इलामिकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी होती है और वर्कशॉप इंफॉर्मेशन पर जाना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर वर्कशॉप इंफॉर्मेशन में शो नहीं हो रहा तो आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप लोगों का वेट होने के बाद आप जो है फ़ौरन आपकी वर्कशॉप शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इस टाइम वेबसाइट डेवलपमेंट फेज पर है और डेली बेसिस पर डेवलपमेंट हो रही है पहले, ताकि स्टूडेंट्स के लिए कोई इशू ना हो। अब फेस टू फेस प्रोग्राम के लिए उन्होंने सेपरेट लिंक दे दिया, असाइनमेंट सबमिशन के लिए सेपरेट लिंक है। ये पहले रीअपेयर का आ रहा था, अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर ऑटम 2020 फॉर लॉगिन हियर, यानी कि इसके ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। अब वर्कशॉप के शेड्यूल चेक करने के लिए आप लोगों ने इस लिंक को इस्तेमाल करना है। गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए आप लोगों ने ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है। वेबसाइट टोटल जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है, और लॉगिन करके आप लॉगिन करोगे। अब इसमें जो है वो जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड हमें किस तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, तो आप लोगों के रीजन में एक एक पर्सन रीजनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, ठीक है। वो रीजनल कोऑर्डिनेटर जो होंगे वो आपका LMS का पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, और आपको आपका पासवर्ड अगर भूल चुका है या आपको इशू आ रहा है लॉगिन में तो वो आपकी इसमें हेल्प भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने इस ईमेल आईडी पर ईमेल करनी होगी। अगर तो आप लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो क्या करना होगा, सेम एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसके प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस पर ईमेल करनी है। जो एप्टेबर्ड वाले लोग हैं LMS/aaghi.aiou.edu.pk, इसी तरह बाकी तमाम लोग जो हैं वो अपना जो है वो अपना रीजन इस तरीके से देख सकते हो। क्वेटा के लिए अलग होगा, सरगोधा के लिए अलग, सखर, सवात, मीरपुर, अपना रीजन जो भी आपका होगा उसको आप देखोगे, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट, लंबी चौड़ी तमहीदें बांधने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा लॉगिन गायब हो गया, बराए मेहरबानी लॉगिन दे दो, इस ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन या ईमेल आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट में लिखोगे LMS यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकोरेक्ट, ठीक है। उसमें आप नीचे लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, I am- बिलोंग टू योर रीजन, माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर इनकोरेक्ट, प्लीज़ करेक्ट इट, थैंक यू, ठीक है। आपने ये कहना है कि आपका यूज़र नेम और यह पासवर्ड जो है वो इनकोरेक्ट आ रहा है, इशू आ रहा है, तो उसको काइंडली करेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर के अगर हो सके तो आप @aaghi.aiou.edu.pk ये भी लिख दो। और साथ जो है वो अपना डिग्री का टाइटल आप लिखोगे, सेल नंबर लिखोगे, देन फॉर प्रूफ I am sending यू दी अटैच कॉपी ऑफ चलान, अगर चलान की कॉपी हो तो वो साथ लगा दो, और साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी अगर लगाना चाहो तो वो आप साथ लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आप जो है इसको भेज दो ईमेल को, देन आपको जो है वो कुछ दिनों तक ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा, आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए अपनी वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो।